नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जो खबर मैं अब आप तक लेकर आ रहा हूं, ये खबर आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि ये खबर आपकी जेब पर एक अतिरिक्त बोझ डालेगी और ये बोझ बिजली से जुड़ा हुआ है क्योंकि बिजली जो है वो बहुत जल्द महंगी होने वाली है और इसका सीधा असर जो है वो आप पर पड़ेगा। और इसी के साथ साथ दिलचस्प बात यह है कि जम्मू में ये जो बिजली बिल बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है वो 17.74 यानी कि करीब 18% जो है प्रतिशत बिजली महंगी करने का प्रस्ताव दिया गया है और कश्मीर में 12% जो बढ़ोतरी है वो बिजली के चार्जेस में करने का प्रस्ताव दिया गया है। और इसके पीछे JPDCL और KPDCL ने जो प्रस्ताव रखा है उसके पीछे हवाला ये दिया है कि पिछले 6 सालों से जम्मू कश्मीर में बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। बिजली की मांग व खरीद हर साल बढ़ने की वजह से राजस्व वसूली घाटा हर साल बढ़ता जा रहा है। यानी कि KPDCL, JPDCL जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यह कहा कि जो मांग है और जो सप्लाई है यानी कि जो खरीद हम कर रहे हैं उसकी वजह से रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो हर साल कम हो रहा है, घाटा बढ़ रहा है और पिछले 6 वर्षों में जो है वो बिजली का दाम जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं बढ़ाया गया। इसीलिए अब उन्होंने जो है वो जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के समक्ष ये प्रस्ताव रखा है कि बिजली के बिलों में जो है वो इजाफा किया जाए, जो रेट पर यूनिट है वो बढ़ाया जाए। और इसे बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वो कुछ इस प्रकार से है कि JPDCL ने करीब 18% जो है वो इजाफे की बात कही है जम्मू में, जबकि कश्मीर में 12% इजाफे की जो बात है वो कही गई है, जो कि प्रस्ताव दिया गया है और ये प्रस्ताव लगभग मंजूर होना तय है। यानी कि आपकी जेब पर ये अतिरिक्त बिजली बढ़ी हुई बिजली के जो महंगे दाम है उनका बोझ पड़ना तय है। बिजली संकट हल हो ना हो वो एक अलग मसला है, लेकिन बिल जो है वो अब जल्द ही और भारी भरकम होने वाले हैं क्योंकि 18% का इजाफा जो है उसका प्रस्ताव केवल जम्मू के लिए दिया गया है, 17.74 जो कि करीब 18 ही है, और कश्मीर में 12% का जो प्रपोजल है इजाफे का वो दे दिया गया है KPDCL के द्वारा। और ये कहा गया है कश्मीर बिजली निगम ने यहाँ लगभग 12% बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव दिया है, वहीं जम्मू बिजली निगम द्वारा दायर याचिका में 17.74% बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है। कॉरपोरेशन बनने के बाद यह पहली बार है जब जम्मू व कश्मीर ने बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव अलग पेश किया, यानी कि जम्मू के लिए अलग और कश्मीर के लिए अलग पेश किया गया है। और कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दायर प्रस्ताव के अनुसार घाटी में मीटर वाले क्षेत्रों में प्रति माह 100 यूनिट तक बिजली फूकने वाले उपभोक्ताओं का किराया 1.69 रुपये प्रति यूनिट से बढ़कर 2 रुपये करने, उसके अलावा स्लैब दूसरी है 101 से 200 यूनिट प्रति माह फूकने वालों से 2.20 पैसा जो है वो रुपए प्रति यूनिट से बढ़कर जो है वो 4 रुपए, और 201 से 400 यूनिट प्रति माह बिजली फूकने वालों का किराया 3.30 रुपए की जगह 5 रुपए करने का जो प्रस्ताव है वो रखा गया है। इसी तरह 400 यूनिट से ऊपर फूकने वाले उपभोक्ताओं को 15 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से जो है वो किराया भरना पड़ सकता है। यानी कि अगर आप 400 यूनिट से ऊपर कश्मीर में बिजली फूकते हैं तो आपको प्रति यूनिट 15 रुपए तक भी जो है वो किराया फूकना पड़ सकता है, जो प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि अभी उपभोक्ताओं से 5.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से किराया लिया जा रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा जंप आपके बिजली बिलों में आने वाला है, जो कि लगभग तय है। वही अब मैं जम्मू की बात करता हूँ, वही जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो उन्होंने अपने प्रस्ताव में मीटर वाले क्षेत्रों में प्रति माह 100 से 200 यूनिट तक बिजली फूकने वाले उपभोक्ताओं से 2 रुपए यूनिट वसूलने का प्रस्ताव की दिया है। इससे पहले 100 यूनिट से कम बिजली फूकने वालों उपभोक्ताओं से 1.69 रुपए प्रति यूनिट, जबकि 101 से 200 यूनिट प्रति माह फूकने वालों से 2.20 रुपए प्रति यूनिट वसूला जाता था। इसके बाद 201 से 400 का सुनिए, यूनिट प्रतिमा फूकने वाले उपभोक्ताओं से 4 रुपए प्रति यूनिट वसूलने का प्रस्ताव है, जबकि अब तक ये केवल 3.30 रुपए ही था। उसके बाद 400 यूनिट से ऊपर फूकने वाले उपभोक्ताओं से 5 रुपए प्रति यूनिट देने होंगे, जबकि अब तक 3.52 रुपए था। और इसके अलावा JPDCL ने हर माह लगने वाले फिक्स्ड चार्जेस 5.50 रुपए से बढ़कर 15 रुपए
करने का प्रस्ताव किया है, तो 15 रुपए का यहाँ पर भी प्रस्ताव है, 15 रुपए का वहां पर भी प्रस्ताव है। लेकिन बढ़ोतरी अगर जम्मू की बात करें तो यहाँ 17.74 जो कि करीब 18% की बढ़ती है, और कश्मीर में जो है वो 12% की जो है वो बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है, और ये बहुत जल्द जो है ये लागू होने वाला है। स्लैब्स बनाई गई है 100 यूनिट, 100 से 200, 200 से 300 और 300 से 400। किराया जो है वो कंजप्शन के हिसाब से जो है वो पर यूनिट रेट जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि उसका दाम बढ़ाया गया है। और जो चार्जेस मैंने आपको बताए हैं, फिक्स चार्जेस जो हैं वो 5.5 से 15 रुपए करने का प्रस्ताव है। वहीं KBDCL ने बिना मीटर वाले क्षेत्रों के लिए आधे किलोवाट कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं से 99 रुपए की जगह 200 रुपए जो है, आधा किलोवाट कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं से 325 की जगह 400 रुपए, उससे ऊपर कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को 490 के बजाय 600 रुपए, पौने किलोवाट कनेक्शन वाले के उपभोक्ताओं से 650 से 800, यानी कि हर एक स्लैब में जो है वो दाम बढ़ा दिए गए हैं और बढ़ाने का प्रस्ताव है, माफ करिएगा। और ये प्रस्ताव जो है इसकी पूरी संभावना है कि ये मंजूर हो जाएगा, और फिर आपकी जो बिजली के बिल हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो आप बिल पे करते हैं, उनमें एक बड़ा इजाफा जो है वो हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आपके लिए जो है एक बड़ी मुश्किल, आपकी जेब पर जो अतिरिक्त बोझ है पावर का जो आप बिल पे करते हैं वो बढ़ जाएगा। वहीं प्रस्ताव में कमर्शियल व गैर घरेलू उपभोक्ताओं से 100 यूनिट प्रति माह तक 2.81 रुपए से बढ़कर 3.5 मेगावाट घंटा 101 रुपए तक 294 रुपए से बढ़कर, यानी कि हर एक स्लैब में, अगर मैं इसे पूरी डिटेल में पढ़ूंगा तो ये आपको समझ में उतने आसानी से नहीं आएगा। कुल मिलाकर ये है कि स्लैब्स बनाए गए हैं 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट, और जिस तरह से आप कंजप्शन को बढ़ाएंगे, आप अगर 100 से 200, 200 से 300 आते हैं तो आप जो प्रति यूनिट बिल पे करेंगे वो बिल प्रति यूनिट के हिसाब से महंगा होता जाएगा। और फिक्स चार्जेस भी जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, और उसके अलावा तमाम जो चार्जेस थे उनमें इजाफा किया गया है, यानी कि कुल मिलाकर जो बिजली का बिल आप पहले पे करते थे, अगर यही प्रस्ताव मंजूर होता है तो उस बिल पर 18% जम्मू के जो लोग हैं वो समझ लें कि अब बढ़ा हुआ बिल कभी भी आ सकता है। कश्मीर के लोग ये समझ लें कि 12% उसमें इजाफा कभी भी हो सकता है, क्योंकि घाटा जो है वो खुद LG मनोज सिन्हा ने कहा था कि हर वर्ष जो है वो बिजली बाहर से खरीदी जाती है लेकिन जो रेवेन्यू लॉसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसी वजह से जो है ये बहुत ज़रूरी हो चुका है कि रेवेन्यू जो लॉसेस है उन्हें कम किया जाए। और शायद उसके लिए ये एक नया वे आउट फाइंड किया गया है कि जो उपभोक्ता हैं उन्हीं पर जो है वो गाज गिराई जाए, उन्हीं से जो है वो अतिरिक्त पैसा जो है वो वसूला जाए, और उसके लिए एकमात्र जो ऑप्शन बचा है विभाग के पास वो यही है कि आपके मौजूदा बिल को जो है वो बढ़ा दिया जाए, बिजली के दरों को महंगा कर दिया जाए, ताकि जब आप अतिरिक्त पैसा दें तो जो घाटा इस समय पूरे लॉसेस का हो रहा है वो घाटा किसी तरह से बराबर किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो बिजली संकट शहरवासी हर साल भुगतते हैं, अभी भी अगर आप देखेंगे तो 24 घंटे जो बिजली मुहैया करवाने के वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं, लेकिन बिल बढ़ाने पर प्रस्ताव जो है वो जारी है और तमाम वर्कआउट कर लिया गया है कि आखिर किस प्रकार से जो है वो हम अतिरिक्त बिल को चार्ज करेंगे, किस स्लैब के आधार पर जो है वो हम बिजली को और महंगा करेंगे, और कैसे सबकी वसूली जो है वो की जाएगी। स्मार्ट मीटरिंग जो है वो शहर में की जा रही है, जिन एरियाज में स्मार्ट मीटरिंग हो चुकी है उन एरियाज में भी जो बिजली है वो 24 घंटे अब तक नहीं मिल रही है, लेकिन बिल बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार है। और जनाब बहुत जल्द अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो इन्हीं गर्मियों में जो है वो आपका बिल जम्मू में 18 और कश्मीर में 12% जो है वो बढ़ने वाला है, और कंजप्शन के हिसाब से अगर आप बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पर यूनिट चार्जेस भी जो है वो बढ़ते जाएंगे, यानी कि आपका बिल कई गुना जो है वो बढ़ जाएगा और आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। आप देखते रहे जम्मू लिंक न्यूज़। नमस्कार।